आप देख रहे हैं यूएनटी, मैं हूं रवि शर्मा। जिस तरह से आज पूरा भारतवर्ष जो है वो नजरें टिकाई बैठा था कि जो राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला जो था वो आना था, और आपको बता दें कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इस समय फैसला सुना रहे हैं और 10:30 बजे जो है वो सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज फैसला जो है वो सुनाया जाना है। और सबसे पहले अपडेट आपको हम बताते चलें कि जिस तरह से शिया बोर्ड जो है उसके द्वारा ये कहा गया था, ये अर्जी दी गई थी कि उसको भी एक पार्टी जो है वो बनाया जाए, जिसे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। और अभी भी सुनवाई जो है वो चल रही है और ठीक 30 मिनट के बाद ये सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि 30 मिनट के अंदर सुनवाई जो है वो कर दी जाएगी। और उसी के चलते पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा जवान जो हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मेरे ठीक पीछे जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जवान जो हैं वो तैनात हैं। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और इस पर अगर आपसे भी अपील ये की जाती है कि आप कोई भी ऐसा कमेंट जो है उसे ना करें, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी अफवाह जो है उसे ना फैलाएं जिसके कारण आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब हो। और अगर सुरक्षा बलों की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन भी लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुए है कि कोई इस पर गलत कमेंट ना करे जिससे आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब हो। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी के लिए जो है वो सर्वोपरि होगा, सभी उसी फैसले को मानेंगे। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से साफ तौर से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कहीं भी जो है वो ना ही जश्न बनाया जाएगा और ना ही इस फैसले को लेकर जो है वो कोई भी जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करेगा। फिलहाल इस समय जो है वो सुनवाई अभी चल रही है। बड़ी अपडेट यह है कि सुनवाई जो है वो चल रही है और शिया बोर्ड जिस तरह से पार्टी बनाने की बात कह रहा था उसकी जो अपील है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दी गई है, और अभी भी सुनवाई जो है वो चल रही है। बने रहे हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए, यूएनटी आपके पास पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचाता रहेगा। अब यहाँ से मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, मगर आप देख रहे हैं यूएनटी। नमस्कार।